आफ्टरनून स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में स्टडी कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हम लोग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोग कवर क्या किए थे पिछले लेक्चर में, टोटल प्रेशर ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन और टोटल प्रेशर ऑन वर्टिकल प्लेन, ये दोनों टॉपिक हम लोग क्या कर लेते पढ़ लिए थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उससे आगे का जो है टोटल प्रेशर ऑन इंक्लाइंड प्लेन, यानी इंक्लाइंड प्लेन पे टोटल प्रेशर का मान कितना होगा, टोटल प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोग टोटल प्रेशर ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे और वर्टिकल प्लेन पे टोटल प्रेशर का मान कितना होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो हम लोग क्या किए थे, कैलकुलेट कर चुके थे, फाइंड आउट कर चुके थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, टोटल प्रेशर ऑन वर्टिकल प्लेन। टोटल प्रेशर ऑन वर्टिकल प्लेन पतली पट्टी का वाटर के फ्री सरफेस से गहराई x है और
वाई है, ठीक है। ये हमारा समतल सतह जिस फ्लूइड में डूबा हुआ है उसकी जो डेंसिटी वो क्या है, रो है। उसकी डेंसिटी क्या है, रो है। और उसका स्पेसिफिक वेट जो है वो क्या है, आपेक्षिक भार क्या है, डब्ल्यू है। यानी इसकी डेंसिटी क्या है, इसकी डेंसिटी क्या है, रो है। और स्पेसिफिक वेट क्या है, W। स्पेसिफिक S वेट, मतलब स्पेसिफिक वेट क्या है, W, ठीक है। अब देखिएगा, हमने इसमें पतली पट्टी पे क्या किया, विचार किया, जो वाटर के फ्री सरफेस से x गहराई पे क्या हुआ है, और इसका क्षेत्रफल क्या है, dA, ठीक है। तो इसको पे हम क्या कर रहे हैं, विचार कर, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी है वो वाटर के फ्री सरफेस से एक्स बार दूरी पे है और ई से वाई डिस्टेंस, वाई बार डिस्टेंस पे, ठीक है। तो अब इसमें देखिएगा, अब इस पतली पट्टी की हम बात कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे पट्टी पर द्रव के कारण दाब तीव्रता, पट्टी पर द्रव के कारण दाब तीव्रता, ठीक है। पट्टी पर द्रव के कारण दाब तीव्रता, और ये हो जाएगा P बराबर रो जी एक्स, क्या हो जाएगा, रो जी एक्स, ठीक है। पट्टी पर द्रव के कारण दाब तीव्रता P बराबर हो जाएगा रो जी एक्स, ठीक है। एक बार और देख लीजिए जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद आपको बताते हैं, आगे समझाते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया कि BD समतल सतह जो द्रव में डूबी हुई है, इसका जो ऊपरी सतह वो वाटर के फ्री सरफेस से थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। अगर हम इस सतह को अगर ऊपर बढ़ाएंगे तो EE पे क्या करेगा, काटेगा। इस BD समतल सतह का क्षेत्रफल A है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी G है वो वाटर के फ्री सरफेस से x बार डिस्टेंस पे है और EE से y बार डिस्टेंस पे है। हमने इसमें क्या किया है, पतली ये जो C है ना वो सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ प्रेशर है, ठीक है, जो वाटर के फ्री सरफेस से h बार डिस्टेंस पे है। हमने इसमें क्या किया, पतली पट्टी लिया जिसका क्षेत्रफल dA है और ये पतली पट्टी वाटर के फ्री सरफेस से x डिस्टेंस पे है और EE से y डिस्टेंस पे है। इस पतली, अब हम क्या करेंगे, इस पतली पट्टी को विचार करेंगे, इस पतली पट्टी पर हम क्या करेंगे, विचार करेंगे। तो इस पतली पट्टी पर हमारा जो दाब, द्रव के कारण जो दाब होगा, दाब तीव्रता होगा, वो क्या होगा, तो हमने यहां पे लिखा है पट्टी पर द्रव के कारण दाब तीव्रता P बराबर क्या हो जाएगा, रो जी एक्स। और ये समतल सतह जिस फ्लूइड में डूबा हुआ है उस द्रव का जो घनत्व है वो क्या है, रो है। वो डेंसिटी क्या है, रो है। और उसका स्पेसिफिक वेट क्या है, डब्ल्यू है, ठीक है। अब देखिए, पट्टी पर द्रव के कारण दाब तीव्रता पी बराबर क्या हो जाएगा, रो जी एक्स। अब लिखेंगे, अतः पट्टी के क्षेत्रफल, अतः पट्टी के क्षेत्रफल डीए पर संपूर्ण दाब, अतः पट्टी के क्षेत्रफल dA पर, अतः पट्टी के क्षेत्रफल dA पर संपूर्ण दाब। और संपूर्ण दाब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P बराबर रो जी एक्स इंटू डीए, ठीक है। रो जी एक्स क्या, दाब तीव्रता, और किस क्षेत्रफल पर, डीए क्षेत्रफल पर, तो ये क्या हो जाएगा, डीए। इसीलिए हमने लिखा, अतः पट्टी के क्षेत्रफल डीए पर संपूर्ण दाब पी बराबर रो जी एक्स इंटू डीए, रो जी एक्स इंटू डीए, ओके। अब देखिए, अब हम क्या जानेंगे, अब इस त्रिभुज पे ध्यान दीजिएगा, इस त्रिकोणमित्री पे क्या दीजिए, इस त्रिभुज पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस त्रिभुज पे क्या दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, किस पे, इस पे, इस पे,
ठीक है, यहां पे लिखेंगे त्रिकोणमिति के द्वारा ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा हम किस पे ध्यान देंगे, इस त्रिभुज पे, इस त्रिभुज पे ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा x by y बराबर, x by y बराबर साइन थीटा लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे कैसे, तो आपको पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, L by A से देखिए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हाइट ये हो जाएगा, ठीक है, हाइट ये हो जाएगा, ठीक है, लंब ये हो जाएगा और कोण ये हो जाएगा, x अपान y होगा, तो x अपान y बराबर sin theta, तो आप यहां से लिख सकते हैं x बराबर y sin theta, क्या लिख सकते हैं, x बार y बराबर sin theta, तो x बराबर y sin theta, तो इसी आधार पे आपका x बार बटे y बार बराबर आपका क्या हो जाएगा, sin theta, तो इसको लिख सकते हैं x बार बराबर y बार sin theta, क्या लिख सकते हैं, x बार बराबर y बार sin theta, इतना हो गया। ठीक है, अब मिटाते हैं, समस्त सतह पर संपूर्णता, और ये आपका हो जाएगा P बराबर इंटीग्रेशन रो जी इंटू डी ए इंटू वाई साइन थीटा। अब यहां से आप क्या करेंगे, रो जी साइन थीटा कॉमन कर लीजिए, रो जी साइन थीटा कॉमन कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा रो जी साइन थीटा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन यह आपका हो जाएगा
y into dA, y into dA हो सकता है ना, रो जी साइन थीटा, रो जी साइन थीटा कॉमन कर लीजिए, तो इंटीग्रेशन बचा क्या y into dA, तो इंटीग्रेशन y into dA, क्लियर। अब देखिएगा, अब आप कर सकते हैं लिख सकते हैं, परंतु वाई गुणे डीए, वाई गुणे डीए का मतलब यह है, वाई गुणे डीए का मतलब यह है कि पट्टी के क्षेत्रफल का ईई अक्ष पर आघूर्ण, पट्टी के क्षेत्रफल का ईई अक्ष पर आघूर्ण, ठीक है। देखिए, परंतु y into dA का मतलब यह है कि पट्टी के क्षेत्रफल का ईई अक्ष पर आघूर्ण, तो जब वही आपका इंटीग्रेशन लग जाएगा तो आप लिख सकते हैं, मतलब इंटीग्रेशन y into dA का मतलब यह हो जाएगा समस्त सतह यानी होल एरिया यानी समस्त क्षेत्रफल का AA अक्ष पर आघूर्ण, समस्त क्षेत्रफल A का ईई अक्ष पर आघूर्ण क्या हो जाएगा, अतः y गुणे dA बराबर समस्त क्षेत्रफल A का ईई अक्ष पर आघूर्ण, और ये बराबर आपका हो जाएगा समस्त क्षेत्रफल गुणे क्षेत्रफल के गुरुत्व केंद्र की ईई से दूरी, ये आपका हो जाएगा समस्त क्षेत्रफल गुणे क्षेत्रफल के गुरुत्व केंद्र गुरुत्व केंद्र की ईई से दूरी, समस्त क्षेत्रफल कितना a है और क्षेत्रफल के गुरुत्व केंद्र की ईई से दूरी कितनी है y बार, क्षेत्रफल का गुरुत्व केंद्र a है यही है g, और इसकी ईई से दूरी कितनी है y बार है, ईई से दूरी कितनी है y बार है, आप यहां पे लिख सकते हैं a गुणे y बार, और ये किसके बराबर है, ये आपका इंटीग्रेशन y into dA, यानी इंटीग्रेशन y into dA के मान के लिए ये प्रूव कर सकते हैं, इंटीग्रेशन y into dA की जगह a into y बार आप क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, जब ये पुट कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा इस, अतः P बराबर रो जी साइन थीटा इंटीग्रेशन y into dA, अब यहां पे पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा रो जी साइन थीटा और ये हो जाएगा आपका a into y बार, होगा कि नहीं होगा, a into y बार। अब इसको आप लिख सकते हैं, और रो जी
a into y bar sin theta, कितना हो गया? अब देखिए, अभी आप पीछे देखे हैं कि x बार बराबर y बार sin थीटा था, तो क्या इस x बार की जगह इस y बार sin थीटा की जगह x बार प्रूव कर सकते हैं? तो ये क्या करेंगे, यहां पे प्रूव कर देंगे, ये हो जाएगा रो जी a इंटू एक्स बार और ये हो जाएगा p, यही आपका क्या हो जाएगा टोटल प्रेशर का मान हो जाएगा वर्टिकल प्लेन पे, यानी टोटल प्रेशर का मान इंक्लाइन प्लेन पे कितना होगा, ये होगा p बराबर रो जी ए एक्स बार, p बराबर रो जी ए एक्स बार, यही टोटल प्रेशर का मान इंक्लाइन प्लेन पे होगा, वर्टिकल प्लेन पे नहीं होगा, इसमें इंक्लाइन प्लेन पे होगा। अब देखिए, अब आप एक चीज देखे होंगे, एक कॉमन चीज आप ये देखे होंगे, जब आप टोटल प्रेशर वर्टिकल प्लेन पे निकाले, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे निकाले और इंक्लाइन प्लेन पे निकाले, तो आप देखें जो तीनों जगह जो टोटल प्रेशर पी का जो मान आ रहा है वो सेम आ रहा है, वो मान आ रहा है, वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, किसने, तीनों कंडीशन में, टोटल प्रेशर ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, टोटल प्रेशर ऑन वर्टिकल प्लेन और टोटल प्रेशर ऑन इंक्लाइन प्लेन, तीनों पे जो टोटल प्रेशर का मान आया है कितना आ रहा है, रो जी के एक्स बार आ रहा है, यानी इससे यही सिद्ध हुआ, अगर आपको टोटल प्रेशर का मान आपसे कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन पे पूछा है या फिर कोई आपसे वर्टिकल प्लेन पे पूछा है या फिर कोई आपसे इंक्लाइन पे पूछा है, तो टोटल प्रेशर का जो पी का मान आएगा वो रो जी एक्स बार क्या आएगा, सेम आएगा, रो जी एक्स बार क्या आएगा, सेम आएगा, कोई भी आपसे पूछे तो आप बताएंगे कि क्या होता है, पी बराबर रो जी एक्स बार होता है। ओके ओके, तो आप लोग सीख लिए टोटल प्रेशर ऑन इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन पे टोटल प्रेशर का मान कितना होगा वो आप लोगों ने निकालना सीख लिया। किसी भी सतह पर दाब केंद्र वह बिंदु है जिससे होकर इस सतह पर परिणामी
इस सतह पर, इस सतह पर परिणामी या शंकुड़ दाब लगता है या शंकुड़ दाब लगता है। ठीक है, किसी भी सतह पर दाब केंद्र वह बिंदु है जिससे होकर इस सतह पर परिणामी या शंकुड़ दाब लगता है, क्योंकि क्योंकि दाब तीव्रता क्योंकि दाब तीव्रता गहराई के साथ बढ़ती है, गहराई के साथ गहराई के साथ बढ़ती जाती है। इसलिए दाब केंद्र की स्थिति केवल क्षैतिज सतह के लिए दाब केंद्र गुरुत्व केंद्र पर होता है। ठीक है, अब देखिए, अभी हम फिगर बना के आपको समझाते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए, हमारा हेडिंग है क्या है, सेंटर ऑफ प्रेशर, दाब केंद्र। तो किसी भी सतह पे दाब केंद्र जो होता है वह पॉइंट होता है किसी भी बॉडी का या किसी भी सरफेस पे जो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है वह पॉइंट होता है जिससे होकर उस सतह पर जो टोटल प्रेशर है संपूर्ण दाब जो है वो लगता है। ठीक है, यानी आपका सेंटर ऑफ प्रेशर जो होता है वो किसी भी बॉडी का ऐसा पॉइंट होता है जिस उस पॉइंट से टोटल जो प्रेशर लगता है वो उसी पॉइंट के अबाउट लगता है। ठीक है, तो वही यहां पे हमने लिखा है, किसी भी सतह पर दाब केंद्र वह बिंदु है जिससे होकर इस सतह पर परिणामी या शंकुड़ दाब लगता है, क्योंकि दाब तीव्रता का मान गहराई के साथ बढ़ता जाता है। जो प्रेशर इंटेंसिटी का मान होता है, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर का मान क्या होगा, बढ़ेगा। आप देखेंगे कि जब किसी नदी में आप या समुद्र में आप ना जाएंगे तो उसमें जैसे जैसे आप पानी के नीचे जाते जाएंगे, जैसे जैसे वाटर के सरफेस से नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे जो प्रेशर इंटेंसिटी का मान है, जो दाब तीव्रता का मान है, वो बढ़ता जाएगा। वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा।
इसीलिए हमने यहां पे लिखा, इसीलिए दाब केंद्र की स्थिति गुरुत्व केंद्र के हमेशा नीचे होती है। जो दाब के, मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ये कोई, मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ठीक है। अभी हम बताते हैं, अभी हम फिगर बना के आपको बताते हैं कि दाब केंद्र की जो स्थिति होती है वो गुरुत्व केंद्र के नीचे होती है। केवल क्षैतिज सतह के लिए जो होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जो प्रेशर, जो प्रेशर सेंटर ऑफ प्रेशर जो होता है वो दोनों एक ही पॉइंट होता है। किसके लिए? केवल हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए, क्षैतिज सतह के लिए। बाकी स्थिति में आपका दाब केंद्र हमेशा क्या होगा? सेंटर ऑफ, जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा वो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के क्या होगा? नीचे होगा। कैसे? तो देखिए, देखिए आपको फिगर बना के बताते हैं। देखिए मान लीजिए बॉडी, ये कोई क्या है? एक बॉडी है, एक पिंड है, ठीक है। इसका जो जी है, मान लीजिए जी है, और ये इसका क्या है? ये इसका सेंटर ऑफ प्रेशर सी है। ये मान लीजिए सरफेस से ये जो जी है वो एक्स बार डिस्टेंस पे क्या है? स्थित है, या आप कह सकते हैं एच बार डिस्टेंस। और इसका जो सेंटर ऑफ प्रेशर है सी, ये जो है ये सरफेस से क्या होगा? ये मान लीजिए h डिस्टेंस पे, ये मान लीजिए h डिस्टेंस पे। यहां पे कोई पिंड है, कोई बॉडी है जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी है और सेंटर ऑफ प्रेशर सी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी है और सेंटर ऑफ प्रेशर सी है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का सरफेस से जो डेप्थ ऑफ x बार या तो h बार है, और सेंटर ऑफ प्रेशर का जो डेप्थ है वो क्या है? एच है, ठीक है। तो इस स्थिति में आपका जो दाब केंद्र होगा H बराबर वो आपका होगा Ig अपान Ax बार प्लस X बार। दाब केंद्र यानी सेंटर ऑफ प्रेशर H बराबर होगा, H बराबर Ig अपान Ax बार प्लस X बार। और ये आपका क्या होगा? सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने का फॉर्मूला होगा। सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने का फॉर्मूला H बराबर Ig अपान Ax बार प्लस x बार, ठीक है। इसको ये अच्छी रहने दीजिए, इसका आप दिखाइए। h बराबर ig अपॉन px बार प्लस x बार, जहां 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 a बराबर, जहां a बराबर सतह का क्षेत्रफल, ए बराबर सतह का क्षेत्रफल, x बार आप दिखा सकते हैं, x बार द्रव के स्वतंत्र तल से, अगर ये मान लीजिए द्रव का ये स्वतंत्र तल है, ये अगर मान लीजिए स्वतंत्र तल है, तो आप लिख सकते हैं द्रव के स्वतंत्र तल से, द्रव के स्वतंत्र, द्रव के स्वतंत्र तल से पिंड के सीजी की दूरी, सीजी मीन्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, द्रव के स्वतंत्र तल से पिंड के सीजी की क्या है? दूरी। द्रव के स्वतंत्र तल से पिंड के सीजी की क्या है? ये दूरी क्या है? एक्स बार। तो
हमने यहां पे लिखा x बार बराबर द्रव के स्वतंत्र तल से पिंड के cg मींस सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी। अब जो आपका ig है, ig बराबर लिख लीजिए सतह की उसकी गुरुत्व केंद्र से सतह की उसकी गुरुत्व केंद्र से उसकी उसकी गुरुत्व केंद्र सतह की उसकी गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा का गुजरने वाली क्षैतिज रेखा का जड़त्व आघूर्ण गुजरने वाली क्षैतिज रेखा का क्षैतिज रेखा का जड़त्व आघूर्ण जड़त ठीक है। ये क्या है जहां सतह का क्षेत्रफल है, x क्या है द्रव के स्वतंत्रता से पिंड के cg की दूरी है, और ig क्या है सतह की उसकी गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा का क्या है जड़त्व आघूर्ण। तो इस हिसाब से आप सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है उसके बारे में आप जानते हैं। ओके, तो इस तरह से आप सेंटर ऑफ प्रेशर का मान क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से सेंटर ऑफ प्रेशर का मान क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला टॉपिक देखिए, अब देखिए आईजी का जो मान होता है वो डिफरेंट डिफरेंट सतह के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। आईजी का जो मान होता है वो डिफरेंट डिफरेंट सरफेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है विभिन्न प्रकार के सतह के लिए आईजी का मान, विभिन्न प्रकार के सतह के लिए जो हमारा अगला टॉपिक है वो है विभिन्न प्रकार के सतह के विभिन्न प्रकार के सतह के लिए आईजी का मान, विभिन्न प्रकार के सतह के लिए आईजी का मान, ठीक है, विभिन्न प्रकार के सतह के लिए आईजी का मान, आईजी का मान विभिन्न विभिन्न सतह के लिए अलग अलग होता है। जैसे देखिए पहला माने आयत के लिए, आयत आयत मीन्स रेक्टेंगल, आयत के लिए ठीक है। अब मान लीजिए ये आपका एक आयत है ठीक है, जिसकी चौड़ाई b है और इसकी क्या है गहराई क्या है d है। तो इसके लिए जो आईजी होगा वो होगा bd क्यूब बाई 12। क्या होगा bd क्यूब बाई क्या होगा 12 होगा, किसके लिए रेक्टेंगल के। दूसरा मान लीजिए आयत हो गया, दूसरा मान लीजिए क्या वृत्त हो गया, मान लीजिए कोई वृत्त ठीक है, पहला क्या हो गया आयत होगा, दूसरा क्या वृत्त हो, मान लीजिए कोई वृत्त है सर्कल है, ये क्या है सर्कल है
और इस सर्कल का जो डायमीटर है वो क्या है, डी। पहला क्या था, रेक्टेंगल था, तो रेक्टेंगल के लिए ये रेक्टेंगल जिसका चौड़ाई क्या है, बी है, गहराई डी है, तो इसके लिए जो आई जी का मान होगा बी डी क्यूब बाई टेल। दूसरा का क्या, वृत्त है यानी सर्कल है, सर्कल का अगर आपका डायमीटर डी है तो इसके लिए जो आई जी होगा ये होगा पाई डी 4/64, ये होगा पाई डी 4/64। और तीसरा हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज है मींस ट्रायंगल, अगर ये मान लीजिए बी है, ये मान लीजिए डी है, तो इसके लिए जो आई जी होगा वो होगा बी डी क्यू अपान 36। तो ये आपका डिफरेंट डिफरेंट सतह के लिए आई जी का जो मान होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो पहला आपका आयत था यानी रेक्टेंगल था, तो रेक्टेंगल के आई जी क्या हो गया, बी डी क्यू बाय 12 होगा, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बी डी क्यू बाय 12 हो गया। अगर सर्कल है तो सर्कल के लिए क्या हो गया, आई जी पाई डी 4/64 हो गया, ठीक है। अगर आपका ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के लिए आई जी क्या होगा, बी डी क्यूब बाई 36 हो गया। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के सतह के लिए आई जी का मान हो गया, ठीक है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है नत समतल नत समतल नत समतल सतह पर संपूर्ण दाब होगा पी पी बराबर आपका होगा रो जी ए एक्स बार होगा, और जो दाब केंद्र होगा ठीक है एच वो होगा आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपान ए एक्स बार प्लस एक्स बार, ठीक है। यानी इंक्लाइंड प्लेन पे जो आपका टोटल प्रेशर होगा संपूर्ण दाब होगा पी बराबर रो जी ए एक्स बार, और जो दाब केंद्र होगा एच वो होगा आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपान ए एक्स बार प्लस एक्स बार। तो इस तरह से आप इंक्लाइंड प्लेन पे संपूर्ण दाब और दाब केंद्र दोनों आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा तीसरे चैप्टर में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में जितने भी सारे थ्योरी टॉपिक्स थे वो खत्म हो गए, और अब हम क्या करेंगे, टोटल प्रेशर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, वर्टिकल प्लेन पे और इंक्लाइंड प्लेन पे कैसे आप टोटल प्रेशर फाइंड आउट करेंगे, इस पे बेस्ड
न्यूमेरिकल को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं और इसके आगे के लेक्चर में हम लोग बाकी सारे प्रॉब्लम को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग सिर्फ एक न्यूमेरिकल फाइंड आउट कर सकते हैं, बाकी का न्यूमेरिकल हम लोग अगले लेक्चर में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए, हम इसके एक न्यूमेरिकल आपको बताते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या कि 5 मीटर की एक वर्गाकार आकार की टंकी कि किसी एक ऊर्ध्वाधर दीवार पर संपूर्ण दाब एवं दाब केंद्र ज्ञात कीजिए। टंकी की ऊंचाई 2 मीटर है और टंकी पानी से भरी हुई है, यानी एक टंकी है वर्गाकार आकार की। एक टंकी कैसी है, वर्गाकार आकार की टंकी है जिसकी 5 मीटर और 5 मीटर क्या है, इसका डायमेंशन है, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 5 मीटर × 5 मीटर होगा, ओके। अब देखिएगा, 5 मीटर × 5 मीटर वर्गाकार आकार की टंकी की एक ऊर्ध्वाधर दीवार पर, यानी किसी भी एक फेस पे, एक ऊर्ध्वाधर या तो इस वाले फेस पे, 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 किसी भी एक फेस पे आपको संपूर्ण दाब एवं दाब केंद्र ज्ञात करना है, ठीक है। जिसमें टंकी की ऊंचाई 2 मीटर दिया है, यानी ये जो टंकी है वो 2 मीटर क्या है, ऊंचा है, और टंकी पानी से भरी हुई है, यानी ये जो टैंक है, ये जो टंकी है, ये वाटर से क्या है, फील्ड है, ये वाटर से क्या है, फील्ड है, ठीक है। यानी टंकी क्या है, पानी से फील है, यानी पानी से भरा हुआ है ये टंकी, ठीक है। तो आप जानते हैं सबसे पहले तो आप इसका एरिया निकाल लीजिए। तो A बराबर हो जाएगा 5 मीटर × 5, यानी 25 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। 5 मीटर × 5 मीटर मीन्स 25 स्क्वायर क्या होगा, आपका होगा। अब आप आगे देखिए, 25 मीटर स्क्वायर होगा तो ठीक है, तो टंकी का जो एरिया होगा वो क्या होगा, 5 × 5 मीटर स्क्वायर मीन्स 25 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप जानते हैं कि जो संपूर्ण दाब होता है, जो संपूर्ण दाब का फॉर्मूला होगा, संपूर्ण दाब पी बराबर होगा रो जी एक्स बार होगा, यही फॉर्मूला होगा संपूर्ण दाब का। अब आप देख रहे हैं, रो भी निकल जाएगा, जी भी निकल जाएगा, ए निकल जाएगा, एक्स बार। अब जो एक्स बार होगा, चूंकि ये वर्गाकार टंकी है, इसलिए जो एक्स बार इसका काम करेगा, इसकी चौड़ाई या इसकी किसी भी एक फेस के आधे पे काम करेगा, ठीक है। यानी एक्स बार बराबर होगा 5/2, यानी ये हो जाएगा 2.5 मीटर। x बार कितना हो जाएगा, 2.5 मीटर। अब जो रो होगा, तो आपको पता है वाटर के लिए जो रो होता है वो कितना होता है, आप कहेंगे सर 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। अब आपका बचा g, तो g बराबर क्या हो जाएगा, g का मान कितना रखेंगे, 9.81 रखेंगे, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो इसलिए P बराबर जो होगा वो होगा 1000 × 9.81 × 9.81 × ये हो जाएगा 9.81, और एरिया कितना हो जाएगा, हमको एरिया जो बताना है, यहां पे जो संपूर्ण दाब और दाब केंद्र जो बताना है, किसी एक फेस पे बताना है ना,
तो जब हम एरिया लेके चलेंगे तो टोटल एरिया नहीं लेंगे, हमने यहाँ पे आपको गलत बता दिया था, सॉरी इसके लिए। यहाँ पे जो आप टोटल जो आपको निकालना है दाब केंद्र और क्या संपूर्ण दाब, वो किसी एक फेस पे निकालना है, ठीक है। तो जिस फेस पे, जिस भी किसी भी एक फेस पे निकालना है, तो यहाँ पे जो एरिया का मान रखेंगे वो उसी फेस का रखेंगे। तो यहाँ पे जो एरिया होगा वो 5 × 2 होगा, यानी 10 m² होगा। क्यों? क्योंकि किसी एक फेस पे ही तो बताएंगे, किसी भी एक फेस पे ही तो आपको बताना है संपूर्ण दाब और सेंटर ऑफ प्रेशर इन दाब केंद्र। तो 1000 × 9.81 × 10 × x बार, x बार कितना होगा? अब यहाँ पे 5/2 नहीं होगा, 2/2 होगा। कितना होगा? 2/2 होगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 m हो जाएगा। 2/2 में 1, तो आप यहाँ पे रख देंगे कितना? 1। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 981, ठीक है, और 00। क्या आएगा? 981 और ये आपका आ जाएगा 00 N। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ध्यान से देखिए एक बार और हम बताते हैं आपको। आप ऐसे फिगर देखिए, आप यहां पे मान लीजिए 5:5 का क्या है, ये वर्गाकार है, ठीक है। अब ये इसकी जो किसी भी एक फेस पे आपको बताना है, एक फेस पे बताना, इसकी ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई जो है वो है 2 m। तो हमको मान लीजिए किसी भी एक फेस पे टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर का मान बताना है। तो हम अगर मान लीजिए किसी भी एक फेस पे, जिस पे भी हम एक फेस पे अगर टोटल प्रेशर या सेंटर ऑफ प्रेशर का मान निकालेंगे, तो हम एरिया और एक्स बार का जो मान रखेंगे वो उसी हम फेस को लेके चलेंगे। तो अगर मान लीजिए किसी भी एक फेस पे निकालेंगे तो उसका एरिया क्या होगा? 5:2, यानी हाइट इनटू ये विड्थ। तो हमने एरिया निकाला तो 5 × 2 10 m² एरिया होगा। और हम जानते हैं संपूर्ण दाब P का जो फॉर्मूला होता है वो था रो जी ए एक्स बार, और रो का मान 1000 हो गया, जी का मान 9.81 हो गया, और जो एरिया हो गया वो 10 हो गया। एक्स बार जो रखेंगे वो एक्स बार क्या होगा? इसके आधे पे ही तो काम करेगा, और आधा हमारा कितना है? 2 है। तो यहाँ पे जो एक्स बार होगा वो होगा 2/2 बराबर क्या होगा? 1 होगा। तो ये एक्स बार हम रख देंगे 1 और हम निकालेंगे तो आपका आएगा 981 00 N। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका टोटल प्रेशर, ठीक है, संपूर्ण दाब का क्या हो जाएगा? मान हो जाएगा। अब आपको जो निकालना है, अब आपको क्या निकालना है? दाब केंद्र। अब आपको क्या निकालना है? दाब केंद्र। दाब केंद्र, तो दाब केंद्र h बार, h बराबर होता है Ig/Ax² + x बार। अब देखिए, अब आपको निकालना Ig। तो Ig किसी भी वर्गाकार के लिए जो Ig का मान होता है वो अभी आपको फॉर्मूले बता रहे हैं, क्या होता है? BD³/12 होता है। अब B का मान हो गया आपका 5 और D का क्यूब मतलब 2 का क्यूब और ÷12। जब आप ये निकालेंगे तो BD³ जब आप निकालेंगे तो आपका मान आएगा ये 10/3 और ये आएगा m²⁴, क्योंकि 2 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा? 8 × 8 = 40, 40/12, ठीक है। तो आपका 10 × 40 और 3 × 12, तो 10/3 आ गया। m²⁴ ये मान रख दीजिए तो आपका h बराबर होगा, Ig का मान जाएगा 10/3 और a का मान आपका हो जाएगा 10, x बार का मान आपका हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा +1। जब आप निकालेंगे ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 1/3
और इसको तीन यहाँ पे तीन एक चार बटे तीन, तो जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा चार बटे तीन बराबर भाग देंगे तो ये आपका आएगा 1.33 मीटर और यही आपका हो जाएगा आंसर। जो सेंटर ऑफ प्रेशर का मान होगा दाब केंद्र का, एच बराबर हम जानते हैं फॉर्मूला होता है आईजी अपॉन एक्स बार प्लस एक्स बार। अब आईजी जो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वर्गाकार के लिए बीडी क्यूब बाय 12, बी का मान रखेंगे 5 और डी का मतलब 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, तो 8 बचे 40 बटे 12, तो 40 बटे 12 को लिख सकते हैं 10 बटे 3, क्यों? क्योंकि 10 चौके 40 और 3 चौके 12, तो 10 बटे 3 मीटर के पावर 4। अब इस ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए तो h बराबर ig यानी 10 बटे 3, a का मान है 10 जो अभी पीछे जस्ट हम निकाले तो गुणे 10 और गुणे x बार का 1 प्लस 1, जब इसको आप हल करेंगे तो आपका आएगा 4 बटे 3 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1.33 मीटर और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इसके जो भी इसके आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना है, थैंक यू।